तो नमस्कार दोस्तों, मोहर ट्रेडिंग में मार्केट ओपन हुआ और मार्केट क्या कहना चाह रहा है। यूएस मार्केट से अच्छे संकेत आ रहे हैं लेकिन गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट नीचे दिख रहा है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए मार्केट में अगले सोमवार को, अगले वीक को, और मार्केट में क्या अब बॉटम बन चुका है 24,200। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 23,400 पे क्लोजिंग दिया है मार्केट 100 पॉइंट बढ़ के, निफ्टी बैंक 198 पॉइंट बढ़ा है। तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ONGC, अदानी पोर्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक, टाटा मोटर्स से दिग्गज थे जो मार्केट को 1 से 4% तक ऊपर ले जा रहे थे। टाटा मोटर्स का रिजल्ट काफी खराब हुआ था। अब देखिए 1000 से शेयर गिर के 843 पे आ गया है, काफी नीचे अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वहीं पे डॉक्टर रेड्डी, SCL टेक्नोलॉजी, ब्रिटेनिया, टेक महिंद्रा, अदानी इंटरप्राइज जैसे दिग्गज हैं जो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे आधे से 1% तक का गिरावट रहा। ऐसे में निफ्टी में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, निफ्टी कहाँ पे संकेत बना रहा है। वीकली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है 24,300 पे मार्केट आके क्लोजिंग दिया है। 24,200 का जो लेवल है यहाँ से मार्केट मूव किया है एक सपोर्ट के रूप में। 24,200 ये दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश मार्केट कर रहा है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है 24,200 को सपोर्ट लिया था मार्केट मल्टीपल वीक। ये देखिए मल्टीपल वीक यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है और वहां से मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मेजर सपोर्ट अगर देखा जाए निफ्टी में तो अभी भी दूर है और ये 23,537 दिख रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 23% का रिट्रेसमेंट में अगर आए तो 23,500 तक मार्केट गिर सकता है, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। तो 24,300 ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो मेजर सपोर्ट जो एरिया है यही है 23,577 तक मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है। यानी यहाँ से करीब करीब 700-800 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकता है। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा अच्छा हो सकता है क्योंकि यूएस के जो आंकड़े आए हैं काफ़ी अच्छा आए हैं, वहाँ का डाटा काफ़ी सपोर्टिव है। मार्केट वहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ है और इसी का इम्पैक्ट सोमवार को देखने को मिलेगा। इसलिए अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे तो मार्केट ऊपर की ओर बढ़ सकती है। और ये जो बड़ा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था यहाँ तक मार्केट ऊपर की ओर खींचा जा सकता है। और वीकली चार्ट में ये क्लियरली दिख रहा है 24,900 से देखिए मार्केट गिर के इधर आया है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तभी ऊपर जा सकता है मार्केट जब ये 24,500 को पार कर ले। अगर 24,500 को पार कर ले यहाँ से सस्टेन करने लगे तब मार्केट में ऊपर की ओर तेजी बन सकती है। लेकिन हो क्या रहा है 24,500 से सेलिंग आ जा रही है, बार बार यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या मार्केट कहना चाह रहा है, यहाँ देखिए ये जो कैंडल बना है डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल बनने का मतलब होता है कुछ बड़ा मूवमेंट हो सकता है। अब ये मूवमेंट क्या नीचे की ओर है या ये ऊपर की ओर है, देखिए यहाँ पे एक डोजी बना था। डोजी जब जब बना है क्या हुआ है, देखिए यहाँ डोजी बना था, गिरावट हुई, तगड़ा गिरावट जब जब डोजी बना है। अब यहाँ देखिए उसके बाद कहाँ डोजी बना, यहाँ देखिए डोजी बना है, मूवमेंट आया है ऊपर की ओर। ये देखिए डोजी बना, गिरावट हो गया, तगड़ा गिरावट हो गया। अब जो डोजी बना, यहाँ देखिए डोजी बना, गिरावट हुआ। तो डोजी जब बनता है तब एक बड़ा मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट का जो संकेत है क्या यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट, यहाँ से क्या अब ऊपर की ओर हो गया, 24,200 क्या बॉटम बन गया है, ये कहना जल्दीबाजी होगा। ये सोमवार का और नेक्स्ट वीक का मार्केट तय करेगा क्या मार्केट कहना चाह रहा है। फिलहाल डोजी बना है और एक बॉटम पे बना है तो हो सकती है कि ये एक साइन हो कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की ओर जाए। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। वो लेवल्स क्या है,
24,300 पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन पे आके खड़ा है। अब 24,300 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने वीकली बेसिस पे इसको डिस्कस किया। अब यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, अब क्लियरली दिख रहा है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% पे आके खड़ा हो गया है मार्केट, और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जैसा भी डिस्कस किए हैं कि डोजी बना है, तो इसके बाद का जो कैंडल दिख रहा है ये 24,381, अगर पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो 24,381 का लेवल होगा आगे का जहाँ तक मार्केट जा सकता है। और ठीक इसके ऊपर का लेवल जो अभी हमने डिस्कस किया 24,500 का ये लेवल है, यानी मार्केट को अगर ऊपर जाना है क्लियरली ये दिख रहा है कि 24,500 तक हम जाएंगे जरूर, और इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तभी मार्केट में एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है, अदरवाइज अगर डाउन साइड में नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ देता है, तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, फिर नीचे की ओर मार्केट 24,000 तक भी जा सकता है, और इसके नीचे भी फिसल सकते हैं। इसके नीचे जैसा भी डिस्कस किए हैं ये 24,000 पे मेजर सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे भी अगर हम फिसलते हैं तो 23,600 जो वीकली बेसिस पे दिख रहा है 23,600 तक मार्केट फिसल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, 15 मिनट्स के चार्ट में क्या मार्केट कहना चाह रहा है फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट गिरावट का शिकार हुआ है, और तगड़ी गिरावट हुई है। अब ये तगड़ी गिरावट क्या सस्टेनेबल अब आ गया है सस्टेन होने का टाइम, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल हम अगर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ लेवल समय समझ में आएंगे, वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे समझने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पे 24,300 पे जो क्लोजिंग दिया है मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, ये मल्टीपल डेज यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। अब 24,300 का लेवल है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई को तोड़ता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो सोमवार को एक तेजी देखने को मिल सकती है, और फिर ये तेजी ऊपर की ओर मार्केट जा सकता है। और ये तेजी देखिए ऊपर की ओर 23,400 ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट में देखिए सेलिंग आ गया। देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, सेल ऑन रैली का मार्केट अब बन गया है, तो यहाँ से सेलिंग आ जा रहा है। तो 23,000 अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 23,000 24,370 तक, और इसके ऊपर भी अगर मार्केट अच्छा खासा रैली दिखाया तो 24,500 तक फिर ये जा सकता है अगर गैप अप भी हो गया तो। लेकिन यहाँ सस्टेन करना होगा, सबसे बड़ी बात है सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ से देखिए गिरावट आ जा रही है 23,480 24,480 24,500 से यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये लेवल 61% का है, तो 61% के लेवल से ये यहाँ पे रिजेक्शन आ जाता है मार्केट में, तो आपको तेजी तभी सस्टेन करेगी आपकी तेजी जब 24,500 के ऊपर हम सस्टेन करने लगेंगे। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट बढ़ सकती है, और फिर ये गिरावट नीचे की ओर देखिए ये जो 24,200 का लेवल, ये 24,200 तक मार्केट जा सकता है, और उसको भी अगर तोड़ देते हैं तो 24,100 तक मार्केट फिसल सकता है, और 24,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, 24,100 से 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, बैंक निफ्टी में क्या गिरावट बढ़ी है या यहाँ पे संभला है, क्या बैंक निफ्टी
निफ्टी के तुलना में सही में अच्छा लेवल पे खड़ा है क्या, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कुछ दिनों से देखेंगे बैंक निफ्टी रियली में निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, लेकिन निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो निफ्टी अगर दोनों सपोर्ट करने लगे तब मार्केट में अच्छी खासी रैली हो सकती है। और इसका जो रीजन है, एक ही रीजन है, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा हुआ जो मार्केट को अच्छा खासा रैली दिखा रहा है बैंक निफ्टी को। अब यहाँ पे देखिए, वहां तो डोजी बना था, यहाँ इनसाइड कैंडल बना है वीकली बेसिस पे। अब यहाँ 51,673 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वीकली बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम यूज करते हैं तो कुछ लेवल हमें समझ में आएंगे इजीली तौर पे। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 51,673 का लेवल है जो मल्टीपल वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अब 51,673 जो क्लोजिंग दिया है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली बेसिस पे। जो इनसाइड कैंडल बना है प्रीवियस वीक का, इसके हाई को अगर निकाल देता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इनसाइड कैंडल का हाई जो है प्रीवियस कैंडल का, ये देखिए 52,338 है। अगर वीकली बेसिस पे 52,338 निकल जाता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर लो को तोड़ देता है, ये लो है इसका, यहाँ पे देखिए ये लो है 50,780, तो 50,780 को अगर तोड़ देता है तो गिरावट बढ़ सकती है। ये सिंपल है बैंक निफ्टी पे वीकली चार्ट में। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे यहाँ पर भी आप देखेंगे डोजी बना हुआ है। अब डोजी जब जब बनता है, अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक अच्छा मूवमेंट या डाउनसाइड में या अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अब ये डोजी जो बना है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। 51,673 पे आके मार्केट क्लोज दिया है बैंक निफ्टी, ये इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। अब 51,670 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, एटलीस्ट इसके हाई को निकालता है, तो मार्केट में तेजी बढ़ सकती है। फिर मार्केट में 52,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, 52,400 तक मार्केट को खींच सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 30 मिनट्स का कैंडल एटलीस्ट बने। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट बढ़ सकती है और फिर नीचे की ओर मार्केट फिसल सकता है। फिर ये 51,450 तक भी मार्केट जा सकता है। इसके नीचे भी अगर मार्केट गिरता है तो गिरावट बढ़ सकती है, और फिर मेजर सपोर्ट एरिया इसका 50,800 पे है। 50,800 तक मार्केट अगर गिरना हो तो यहाँ तक गिर सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेवल हमें समझ में आएंगे 15 मिनट्स के चार्ट में, इसको ओपन करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे गिर के यहाँ से बाउंस बैक लिया है मार्केट, और यहाँ से रैली दिखा रहा है। अब ये जो लेवल है क्या कहना चाह रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे यहाँ पे लेवल समझ में आ जाएगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है 51,675 पे क्लोजिंग दिया है, तो 51,675 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है किसी भी रीजन से, पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ता है, तो एक तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी में। फिर ऊपर की ओर ये जो लेवल है 51,900, 51,900 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर इसको भी तोड़ देता है अच्छा वॉल्यूम के साथ तो मार्केट में बढ़ सकती है तेजी, फिर 52,300 तक मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है।
लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है और 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके लो को तोड़ता है, तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर मेजर सपोर्ट नीचे की ओर 51,400 पे, नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो मेजर सपोर्ट 51,400 तक मार्केट फिसल सकता है। इनके सब 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है मार्केट में। लेकिन सेल ऑन रैली का मार्केट है, ऊपर जाने पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मोहन ट्रेडिंग में भी यही हुआ है, तो देखेंगे मार्केट वहां से रिजेक्शन कभी भी आ जाती है। अब आते हैं पीसीआर पे, पीसीआर क्या कहना चाह रहा है। देखिए 0.73 पे पीसीआर है, यानी थोड़ी तेजी हुई है। इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ गया है, 15.55 पे आ गया है। गैप निफ्टी दिखा रहा है 71 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, लेकिन ये अमेरिकन मार्केट देखिए यहाँ 73 पॉइंट दिखा रहा है, नीचे हम खुलेंगे। लेकिन डॉ जोन्स, S&P, नेस्टेक चारों तरफ तेजी का माहौल। देखिए 300 पॉइंट करीब करीब डॉ जोन्स बढ़ा है, नेस्टेक 144 पॉइंट बढ़ा है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे, किस तरह से ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग दिख रहा है 1,62,000 पे, 24,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा 24,300। अब यहीं पे पुट राइटिंग देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो पुट राइटिंग भी 24,300 पे ही दिख रहा है, और इसीलिए डोजी भी बना है। डोजी में क्या होता है, बायर्स भी कम है, सेलर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, और इसीलिए एक ही जगह पे मार्केट खड़ा हो जाता है। और यही रीजन है 24,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, पुट राइटिंग भी यहीं सबसे ज़्यादा हुआ है। और जब ऐसा बनता है तब एक अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिलती है, या फिर अच्छी तेजी की ओर मार्केट मूव कर सकता है, या गिरावट की ओर मार्केट मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कहाँ कॉल राइटिंग हुआ है, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 52,000 पे 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट का कॉल राइटिंग हुआ है। तो 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग कहाँ सबसे ज़्यादा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा दिख रहा है 59,000 का 51,000 पे, यानी 51,000 ये जो लेवल है 51,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और वहीं पे 51,000 ये जो लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 52,000 एक रेसिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे 51,000 एक तरह से सपोर्ट की तरह मार्केट काम करेगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये देखिए 1 तारीख को क्लोज हुआ है 24,304 पे। आप देखेंगे 31 अक्टूबर को क्लोज हुआ था 24,200 पे, 30 अक्टूबर को क्लोज हुआ था 24,340 पे। तो 30 अक्टूबर और 1 नवंबर का क्लोजिंग करीब करीब बराबर है। 29 अक्टूबर को आप देखेंगे 24,400 पे, 28 अक्टूबर को 24,340 पे। तो 24,200 को देखिए तोड़ नहीं पाया है, 24,200 मेजर नीचे गिरावट हुई है, फिर वहां से रिकवरी हुआ है, 24,300 पे क्लोजिंग दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है मार्केट। चिंता का बात क्रूड ऑयल से है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है क्योंकि ईरान ने फिर धमकी दिया है, और इजराइल ने कहा है कि इस बार अगर आपने कुछ किया तो बहुत बड़ा हम उन जगहों पे हमला करेंगे, जैसे ऑयल के जगह पे हुआ, आपका एटम बम के जगह हुआ, न्यूक्लियर बम जहां रखें वहां पे हुआ, वहां पे हमला करेंगे। तो यहाँ पे टेंशन थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए ब्रेंट फ्यूचर थोड़ा सा ऊपर हुआ है 73.1 बैरल पे। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बंद हुआ है, WTI जिसे बोलते हैं। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया, कैसा लगा जानकारी, अगले वीक कैसा मार्केट हो सकता है, डोजी बना है,
और किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, सारे पॉइंट्स पे हमने एक एक करके बात की। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।